हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हम जब कभी भी हॉरर फिल्म्स की बात करते हैं तो द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का नाम हमारी जुबान पे सबसे पहले आता है, और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह है। ना केवल ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, बल्कि आज तक की सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है। इसके अलावा इस फिल्म की शूटिंग के वक्त फिल्म के क्रू मेंबर्स और एक्टर्स के साथ बहुत ही अजीबोगरीब रहस्यमय घटनाएं भी हुई। तो आज हम इस वीडियो में द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की सच्ची कहानी को आप सबके सामने लाएंगे और कुछ बहुत ही बड़े रहस्यों का खुलासा करेंगे। द एग्जॉर्सिस्ट मूवी की कहानी कुछ खोए हुए डॉक्यूमेंट्स और एक प्रीस्ट की बताई हुई बातों को संगठित करके बनाई गई है, जो कि इन घटनाओं के वक्त वही मौजूद थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मूवी सन 1973 में आई थी और एक बहुत ही बड़ी हिट थी। इतना ही नहीं, इस मूवी को आज तक सबसे डरावनी मूवीज में गिना जाता है। हमें मूवी में देखने को मिलता है कि एक 13 साल की लड़की के शरीर पे एक शैतान का कब्जा हो जाता है, लेकिन असल में ये स्टोरी 1949 में घटित घटनाओं पे है, जिसमें कब्जा लड़की के शरीर पे नहीं बल्कि एक लड़के के शरीर पे होता है जिसका नाम रोलैंड डो था। इन सारी घटनाओं की शुरुआत तब होती है जब एक 52 साल के रोमन कैथोलिक प्रीस्ट जिनका नाम विलियम बाउडर था, उन्हें एक रात अनजान कॉल आती है। विलियम सेंट लुइस मसूरी से थे और ये कॉल उनके अपने ही एक पुराने दोस्त से थी जिनका नाम रेमंड बिशप था, जो कि खुद भी एक प्रीस्ट थे। बिशप का कहना था कि एक औरत ने उन्हें कांटेक्ट किया है और उस औरत का मानना है कि कोई अज्ञात शक्ति ने उसके बेटे रोलैंड को काबू में कर रखा है। विलियम तकरीबन 26 साल से प्रीस्ट थे और उन्हें से बहुत सारे केसेस के लेटर्स या फिर कॉल्स आते थे, लेकिन कुछ केसेस में खत लिखने वाले या कॉल करने वाले लोग फ्रॉड होते थे। शायद इसलिए विलियम्स को कुछ वक्त तक संदेह जरूर हुआ, लेकिन चूंकि ये कॉल उनके अपने ही दोस्त बिशप ने की थी, विलियम उस परिवार से मिलने के लिए राजी हो गए। इसके बाद विलियम, बिशप और पजेस्ड लड़के के माँ बाप के बीच सेंट लुइस के एक छोटे से घर में मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने रोलैंड के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। रोलैंडो की माँ का कहना था कि उनके बेटे के साथ कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जिसे ना तो वो समझ पा रही हैं ना ही कंट्रोल कर पा रही हैं। रोलैंड की माँ का कहना था कि रोलैंड एक बहुत ही शांत स्वभाव का बच्चा है और उनकी फैमिली एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। रोलैंड उनका इकलौता बेटा है और बचपन से कभी भी वो किसी भी बड़ी परेशानी या हादसे में नहीं फंसा है। रोलैंड अपने माँ के सिस्टर इन लॉ बोले तो फुआ से बहुत ही क्लोज था और उनका नाम मिले था। 1949 के जनवरी में मिले रोलैंड से मिलने आती हैं और वो अपने साथ एक ओइजा बोर्ड लेके आती हैं। वो रोलैंड को ओइजा बोर्ड को यूज़ करना सिखाती हैं और वो दोनों मिलकर घंटों तक आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। रोलैंड की माँ को ये सब बचकानी हरकत लगती थी और उन्होंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप में से जिन व्यूअर्स को नहीं पता कि ओइजा बोर्ड क्या होता है, तो उन्हें मैं बता दूं कि ये एक तरह का बोर्ड गेम है जिसे खेलकर लोग मरे हुए व्यक्ति की आत्माओं से संपर्क बना सकते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है और कई लोग इस प्रक्रिया की वजह से आत्माओं के चपेट में आ गए हैं, जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी तक बर्बाद हो गई है। तो इसके बाद सबसे पहली रहस्यमयी घटना 15 जनवरी 1949 में हुई, जब इस परिवार को पानी की बूंद बूंद टपकने की आवाज़ रात को रोज़ सुनाई देने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई नल लीक कर रहा होगा, लेकिन अगले ही दिन चेक करने पे उन्हें पूरे घर में ऐसा कोई भी लीकेज पॉइंट नहीं मिला और ये पानी की बूंदों की आवाज़ करीब करीब हर रात सुनाई देने लग गई थी। 26 जनवरी को रोलैंड की माँ को देर रात एक कॉल आया, जिससे उन्हें पता चला कि उनके सिस्टर इन लॉ मेले की अचानक मौत हो गई है। इस खबर से उनके पूरे परिवार शोक में डूब गया, खास करके रोलैंड, क्योंकि वो अपनी फुआ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। यहाँ हैरान करने वाली बात ये थी कि मेले को कोई भी बीमारी नहीं थी और ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक मौत थी। इस घटना के ठीक एक दिन बाद से घर में पानी की बूंदों की आवाज़ के साथ साथ किसी के चलने की भी आवाज़ सुनाई देने लग गई। पहले तो इस परिवार को लगा कि शायद ये कोई नॉइजी पोल्टरजिस्ट है, लेकिन एक दिन उन्होंने एक होली पिक्चर को दीवार पे हिलते हुए देखा, ऐसे मानो कोई इस पिक्चर को पीछे से धक्का दे रहा हो। इस घटना के ठीक एक दिन बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं होने लगी, जैसे चीज़ों का जगह से हिल जाना, अजीबोगरीब आवाज़ें आना इत्यादि, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही खौफनाक और रहस्यमय था। एक रात रोलैंड के सोने के बाद उसकी बेड जोर जोर से हिलने लगी और रोलैंड डर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसके पेरेंट्स रोलैंड के रूम में आए, लेकिन इसके बावजूद भी बेड का हिलना काफ़ी देर तक बंद नहीं हुआ। ये कोई भूकंप नहीं था, क्योंकि सिर्फ रोलैंड की बेड हिल रही थी, और इस बात से ये परिवार बहुत ही ज़्यादा डर गई।
26 फरवरी 1949 यानी मिले के मौत के ठीक एक महीने बाद रोलैंड के शरीर पे अजीबोगरीब कटे हुए निशान आ गए और उसके पेरेंट्स ने तुरंत उसे डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर ने बोला कि रोलैंड एकदम नॉर्मल है और शायद प्यूबर्टी मतलब जवानी की जोश में ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है, लेकिन रोलैंड के फैमिली को एहसास हो गया था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है और हो ना हो ये सब एक पारानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। ठीक उसी रात उन्होंने ओइजा बोर्ड को निकाला और मिले के आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनका कांटेक्ट तो नहीं हो सका, लेकिन रोलैंड के शरीर पे कुछ नए ताज़े जख्म ज़रूर आ गए। उन्होंने लूथरन से संपर्क किया लेकिन वो भी उनकी कोई मदद नहीं कर सके और हर पल रोलैंड की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। लूथरन ने सलाह दिया कि वो किसी कैथोलिक प्रीस्ट से मिले और अपने बेटे को उनसे दिखवाएं क्योंकि ये किसी शैतानी पोजीशन जैसा लग रहा है। इसके बाद इस परिवार ने रेमंड बिशप को कॉल किया जिन्होंने विलियम को यहाँ बुलाया। इस सारी घटनाओं को सुनकर विलियम ने उनके बच्चे से अगले दिन मिलने का वादा किया और ठीक अगले दिन विलियम और रेमंड समय पर रोलैंड से मिलने के लिए उनके घर पे पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने होली प्रेयर रिसाइट किया जिससे रोलैंड को बहुत ही तकलीफ होने लगी और वो तरह तरह की डरावनी आवाज़ें निकालने लगा। इसके अलावा उसके शरीर पर बहुत सारे नए जख्म के निशान उभरने लगे जिसमें कुछ शैतान के सिंबल थे और ये प्रेयर्स पूरे दिन तक चलते रहे। फादर विलियम को इतने में पता चल गया था कि रोलैंड किसी शैतान के कब्जे में है और अब उन्हें एग्जॉर्सिस्ट बनकर रोलैंड की एग्जॉर्सिज्म ही करनी पड़ेगी। फादर विलियम ने फादर बिशप को एक जर्नल मेंटेन करने बोला जिसमें वो हर दिन की घटना को विस्तार से लिखेंगे और वो अब एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए थे। वो दोनों रोलैंड के कमरे पर पहुंचे और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया के दौरान रोलैंड उन्हें धक्का देता था और उन दोनों फादर्स के मानना था कि उसके धक्कों में एक हट्टे कट्टे जवान इतनी शक्ति थी जबकि वो सिर्फ एक 13 साल का बच्चा था। एग्जॉर्सिज्म के तीसरे दिन रात को 1 बजे रोलैंड अचानक से कमरे की खिड़की खोलने को कहने लगा और फिर उसका शरीर शांत पड़ गया। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लगा और फादर विलियम को ऐसा लगा कि शायद एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया सफल हो गई है और वह खुशी खुशी वहां से वापस लौट गए। लेकिन यह शैतान की एक चाल थी और फादर के जाने के ठीक 1 घंटे बाद यानी रात के 2 बजे उस डीमन ने वापस से रोलैंड के शरीर पर कब्जा कर लिया। रात को 3:15 पर फादर विलियम को वापस बुलाया जाता है और एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया वापस से शुरू की जाती है। रोलैंड अब बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट होता जा रहा था और दिन प्रतिदिन उसके अंदर की शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। बार बार एग्जॉर्सिज्म के कारण आसपास रहने वाले लोगों को आवाज़ें सुनाई दे रही थी और ये सब उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। इसीलिए फादर विलियम ने डिसाइड किया कि वो रोलैंड को सैंट लुइस में स्थित एक कैथोलिक हॉस्पिटल में ले जाएंगे जिसे अलेक्जियन ब्रदर्स चलाते थे और वहाँ ये प्रक्रिया ठीक ढंग से बिना किसी डिस्टर्बेंस के की जा सकेगी। 22 मार्च 1949 को फादर विलियम्स ने कुछ और भी प्रीस्ट को इकट्ठा किया जिससे वो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। उनमें से एक प्रीस्ट का नाम था वॉल्टर हैलोरन जिन्होंने अपनी बयान डिस्कवरी चैनल को दी जिससे कि इस कहानी पे एक डॉक्यूमेंट्री बन सके। इनकी मौत 1 मार्च 2005 में 83 साल की उम्र में हुई थी। 1949 में वो काफ़ी जवान थे और उन्होंने इन सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखा था। उनका कहना था कि कभी कभी चीज़ें हवा में उड़कर दीवारों से टकराती थी और एग्जॉर्सिज्म के वक्त रोलैंड सभी प्रीस्ट को बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था और कुछ ऐसी गंदी और घिनौनी बातें बोलता था जिसे शायद मैं इस वीडियो में आपको बता भी ना सकूं। फादर विलियम्स के लिए यह काफ़ी मुश्किल हो रहा था क्योंकि रोलैंड उनको सबसे गंदी बातें बोलता था जो कि शायद एक 13 साल के बच्चे को पता तक ना हो। वो इन प्रीस्ट के ऊपर थूक फेंकता था, इन्हें मारता था और अलग अलग तरीकों से चोट पहचाने की कोशिश करता था। यहाँ तक कि रोलैंड ने फादर हैलोरन को मार मार कर उनकी नाक तोड़ दी थी। कभी कभी तो वो इन प्रीस्ट के ऊपर पेशाब तक कर देता था। 31 मार्च को रोलैंड ने एक पेन और नोटबुक मांगा और उसने उसमें ये बात लिखी, आई एम द डेविल एंड इन 10 डेज आई विल गिव ए साइन, अर्थात मैं खुद डेविल हूँ और 10 दिन में मैं एक इशारा दूंगा। अब यह कैसा इशारा होगा ये किसी को नहीं पता था। एग्जॉर्सिज्म की प्रक्रिया हमें बताती है कि कभी भी एग्जॉर्सिस्ट को डेविल से बात नहीं करनी चाहिए और शायद इसीलिए फादर विलियम ने रोलैंड से इस इशारे के बारे में आगे कुछ भी नहीं पूछा। सभी को पता था कि एग्जॉर्सिज्म का कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए उन्होंने रोलैंड पर बाप्टिज्म नाम की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना शुरू किया। बाप्टिज्म भी एग्जॉर्सिज्म की तरह ही एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें पॉजिटिव शक्तियों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और सब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स नहीं किया जाता है। बाप्टिज्म प्रक्रिया के शुरू होते ही बच्चे की हालत में सुधार आना शुरू हुई, लेकिन अब भी उसका शरीर शैतान के कब्जे में था। रोलैंड अब दिनों तक एकदम शांत रहता था, बस कभी कभी ही उल्टी सीधी हरकतें करता था। फादर विलियम्स का कहना था कि वो शैतान को निकाल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक होली स्पिरिट को रोलैंड के अंदर डाल रहे हैं जिससे वो एकदम साधारण और शांत हो जाएगा।
लेकिन एक दिन अचानक फिर से उसके शरीर पर जख्म के निशान बनने शुरू हो गए और उसके सीने पर बोल्ड लेटर्स में एग्जिट लिखा हुआ था। फादर ने वापस से बैप्टिज्म शुरू किया और ऐसा माना जाता है कि रोलैंड कभी शैतान तो कभी एंजल की आवाज़ में बात करता था, क्योंकि उसके शरीर में शैतान और भगवान दोनों की ही आत्माएं थी और वो दोनों आपस में ही लड़ रही थी। और इसी मुठभेड़ के दौरान एक बहुत ही जोर की किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आई और लाइटें चली गई। कुछ ही सेकेंड्स में लाइट्स वापस आई और रोलैंड बिल्कुल ठीक हो चुका था। उसने फादर से कहा कि शैतान ने उसके शरीर को छोड़ दिया है। इस जोरदार एक्सप्लोजन जैसे आवाज़ को हॉस्पिटल में सभी लोगों ने सुना। रोलैंड के ऊपर तकरीबन 28 रात तक एग्जॉर्सिज्म या फिर बाप्टिज्म की प्रक्रिया चली थी और 19 अप्रैल 1949 को वो अपने घर वापस चला गया। अब वो बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अपनी बाकी की ज़िंदगी बहुत ही आराम से नॉर्मल तरीके से बिताई। इस बच्चे का असली नाम रोलैंड डो है, लेकिन इस नाम को बहुत ही दिनों तक गुप्त रखा गया था ताकि कोई भी इसे पहचान ना सके, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके। फिर भी ये बातें मीडिया में आ ही गई, लेकिन फादर विलियम्स ने इस पर कोई भी स्टेटमेंट देने से इनकार किया। इस प्रक्रिया को तकरीबन 48 लोगों ने देखा था और फिर भी कई दिनों तक इस फैमिली की आइडेंटिटी एकदम गुप्त रही। शायद इसलिए अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री भी देखें तो वहाँ रोलैंड के नाम को बदलकर रिचर्ड बताया गया है। अभी के समय में कोई भी नहीं जानता कि आखिर ये कौन से परिवार थे जिसमें ये सारी घटनाएं हुई थी। फिर भी अगर हम सूत्रों की माने तो वो लड़का अभी भी अमेरिका के पूर्वी भाग में रह रहा है और उसे इन घटनाओं के बारे में कुछ भी याद नहीं है। फादर विलियम्स की मौत 1983 में सेंट लुई में ही 86 साल की उम्र में हुई और इन्होंने जीते जी कभी भी इन घटनाओं का जिक्र ना तो प्रेस को किया ना ही मीडिया को इसके बारे में कुछ बताया। कई मॉडर्न डॉक्टर्स की माने तो शायद रोलैंड जानबूझकर ये सारी हरकतें कर रहा था ताकि उसे थोड़ी पब्लिसिटी मिले या फिर उसे किसी तरह की मानसिक बीमारी थी। लेकिन प्रीस्ट का कहना है कि उन्होंने इस बात को बहुत ही गुप्त रखा था, तो पब्लिसिटी की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और अगर वो मानसिक रूप से बीमार होता तो फिर वो अचानक से ठीक कैसे हुआ? साथ ही उसके शरीर पर ये सारे निशान कैसे आ जाते थे? 1973 में इन घटनाओं पर एक मूवी बनी जिसका नाम द एग्जॉर्सिस्ट था और वो उस वक्त की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवी थी। मूवी के क्रू मेंबर्स का कहना है कि मूवी के शूटिंग के वक्त कभी कभी बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं होती थी जिससे क्रू के सभी मेंबर्स डर जाते थे, जैसे कभी किसी का गिर जाना, सामानों का टूट जाना या फिर किसी क्रू मेंबर का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाना। कहा जाता है कि इस मूवी को देखने के बाद कई लोग डर से बेहोश हो गए थे और कई लोग चर्च जाकर गॉड से अपने किए हुए पापों की माफ़ी मांगने लगते थे। अमेरिका में उन दौरान चर्च के कन्फेशन रूम भरे पड़े होते थे। आज भी अगर आप उस मूवी को देखेंगे तो डर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि मूवी में कुछ बातें गलत दिखाई गई हैं और कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, लेकिन फिर भी ये फिल्म मेरी फेवरेट हॉरर फिल्मों में से एक है। तो दोस्तों, मेरा सवाल आप सभी लोगों से है कि क्या आपको लगता है कि रोलैंड ये सब नाटक कर रहा था या फिर सच में उसके अंदर एक शैतानी आत्मा प्रवेश कर गई थी? आप अपने विचार कमेंट्स द्वारा हम तक पहुंचाएं। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हम तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसी वीडियोज़ लाते रहते हैं।